हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आती रहे। तो दोस्तों, आज मैं एक कन्नड़ मूवी के ट्रेलर को रिएक्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है विजय आनंद। और जैसे कि हमें पता है कि ये विजय संकेश्वर सर की बायोपिक है और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली, तो एक पैन इंडिया कन्नड़ा मूवी है और इसके हिंदी ट्रेलर को मैं रिएक्ट करने वाला हूँ गाइज। और इससे प्रीवियसली मैं इसके एक सॉन्ग को रिएक्ट कर चुका हूँ जो कि बहुत अच्छा था, सिनेमेटिकली बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे इतना पता है गाइज कि ये सिनेमेटिकली बहुत अच्छी होने वाली है मूवी। तो बिना किसी देरी के पहले ट्रेलर देख लेंगे और फिर करेंगे चर्चा। चलो। बाबा हमेशा कहते थे कि जीवन का असली मतलब खुद को ढूंढना नहीं। ओके, शॉट्स देखो कितने अच्छे हैं यार। खुद को उसमें कामयाब करना है। VRL किसी तरह हिम्मत लॉजिस्टिक्स। बाबा का प्रिंटिंग प्रेस तो छोड़ के आ गया, कुछ बड़ा करने की सोच में घर भी छोड़ा है। जिंदगी की गाड़ी मैं अकेले खींच नहीं सकता, अब जाके एहसास हुआ। एक लड़ी लेके ठंडा करने आया है, हम जमाने से यहाँ है। अधिकार हट। एक दिन की बारिश में कुकुर कुत्ते की तरह पैदा होते हैं। Okay, तीन ट्रक हो गए। ले, पढ़ ले। दो मिनट मेरी बात तो सुनिए। घरों के घरों में आग लगा के अपनी रोटी सेक रहे हो। संकेश, विजय संकेश, चावल को अक्षत बनने के लिए, जल को पवित्र होने के लिए ईश्वर की शरण में आना पड़ता। हमारा डाउनफॉल होगा मेरी वजह से। राज्य की जनता को मेरा अगला तोहफा देने का काम। वो बंदा है ना जो जानते हैं कि दो दिन में पेपर निकलने वाला है, जानबूझकर पावर कटवा दिया। अपने न्यूज़पेपर को सिर्फ एक रुपए में बेचेंगे। ओके। अपने बाप के खिलाफ जाके बिजनेस शुरू किया है, इसमें अगर किसी ने टांग अड़ाई, मेरी स्वाभिमान को ललकारा, तो किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। के 9 दिसंबर को आ रही है। ओके, 9 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। और यार सच कह रहा हूँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि जैसे कि हम ये बायोपिक है हमें पता है, और जो VRL लॉजिस्टिक के बारे में बात हो रही है, जो ऑब्वियसली कमर्शियल व्हीकल की एक कंपनी है जिनको ये ऑब्वियसली विजय सर खड़ा करते हैं। और भाई स्टोरी तो ऑब्वियसली क्लियर है कि भाई ये बायोपिक बनने वाली, लेकिन जिस हिसाब से शूट किया गया है और जितनी इंटेंसिटी नज़र आ रही है भाई, वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी ही काफ़ी आपको ये अब थिएटर में ले जाने के लिए कि भाई आप थिएटर में आओ और देखो, क्योंकि इतनी अच्छी इंटेंसिटी नज़र आ रही है एक्टिंग वाइज। जितने भी इसमें कैरेक्टर है, चाहे वो जो मेन रोल कर रहे हैं या फिर उनके ब्रदर का और उनके डैड का जो रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब सभी के कैरेक्टर को देखूं तो सब अपनी जगह पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, सभी की इंटेंसिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो उनकी पर्सनल जर्नी होगी, क्योंकि जैसे हमें पता है कि वो घर छोड़ देते हैं, उनके फादर का प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन स्टिल वो खुद काम करना चाहते हैं और खुद का नाम कमाना चाहते हैं, और उस जर्नी में वो कितने अप्स एंड डाउन्स देखते हैं,
वो मेरे को लगता है कि ज़्यादा मोटिवेट करेगा और स्टोरी ज़्यादा मतलब बांध के रखेगा, ग्रिपिंग रखेगा, कि उनकी जो जर्नी है उसके अंदर ऑब्वियसली काफ़ी लोग की साथ में जर्नी होगी, क्योंकि इसमें जैसे बताया भी गया कि उनका डाउनफॉल और ये सब काफ़ी कुछ उसमें नज़र आने वाला है, किस तरीके से वो क्रिएट करेंगे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे अपनी। तो यार ये हमेशा से देखने के लिए बहुत मज़ेदार होता है कि भाई कोई बंदा अगर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करता है तो वो क्या फेस कर रहा है, उसके थॉट प्रोसेस क्या है, उसने क्या क्या चीज़ें फेस की है, अप्स एंड डाउन्स, और किस तरीके से मतलब वो बंदा वहाँ से नीचे से निकल के ऊपर तक गया है, ये सब देखने में बहुत मज़ा आता है। मतलब एक जर्नी होती है ना, वो देखने में मज़ा आता है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट भी करेगा और हैरान भी करेगा कि भाई इतना सक्सेस पाने के लिए आपको मतलब किस हद तक मेहनत करनी पड़ती है और कैसा इंसान होना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं डेफिनेटली ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेके कि भाई ये सब चीज़ें इसमें देखने मिलेगी। और जैसे मैंने कहा था कि सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लग रही है, वो हम ऑब्वियसली स्टार्टिंग के जो दो चार शॉट्स है उसी में पता चल जाता है कि सिनेमेटिकली बहुत अच्छी होने वाली है। म्यूज़िक, एक म्यूज़िकल मैंने सुना है तो इतना मुझे पता है कि इसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, और ओवरऑल एक्टिंग जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस इस मूवी के लिए, और होपफुली जैसे कि ये हिंदी में रिलीज़ हो रही है तो यहाँ पे भी रिलीज़ होगी, नेक्स्ट मंथ ही हो रही है 9 तारीख को, तो मैं डेफिनेटली इसको देखना चाहूँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर गाइस, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।